खड़ा हो रहा, खड़ा हो रहा खाने। चल बैठ जा, बोलो बैठ जा, बैठो, बोलो 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 बोलो, बैठ जा। जा घर जा, जाओ घर जाओ, जा जा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज का ब्लॉग मैं शाम से शुरू कर रही हूँ और यहाँ पे मैं सब्जियाँ धो रही हूँ। सब्जी धोने के लिए मैंने यहाँ पे क्रेट बिछा ली है और उसके अंदर ही मैं सब्जी धो रही है। मूली पालक मैंने अभी अभी लिए हैं और साथ ही में मैं यहाँ पे कल शिवरात्रि है तो उसके लिए जो फल फ्रूट हैं लाए हैं मैं सबसे पहले उनको धो दूँगी। तो अभी शाम को ही हमारा पानी आता है तो डायरेक्ट वाले पानी में खूब अच्छे से धुल जाता है सामान, सब्जियाँ फल फ्रूट वगैरह। तो यहाँ पे मैं केले धो रही हूँ सबसे पहले और इसके बाद मैं धो रही हूँ अंगूर। आजकल बहुत ही अच्छे और मीठे अंगूर आ रहे हैं इसलिए मैं इनको धो देती हूँ। कल शिवरात्रि का व्रत है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रमुख होते हैं बेर, जो शिव जी को भी चढ़ाए जाते हैं। तो बेर ही इस त्यौहार में ज़्यादातर अच्छा फल माना जाता है। तो यहाँ पे ये अंगूर आए नहीं टोकरी में तो मैंने इसमें डाल दिए और अब मैं इनको इसी में धोऊंगी अच्छे से। और मैंने यहाँ पे दोनों नल खोल दिए हैं और पानी बहुत ही अच्छा आता है, हमारे यहाँ पे खूब सारा पानी आता है तो हम जी भर के सब्जियाँ धो सकते हैं कपड़े वगैरह। तो ये देखिए अब यहाँ पे मैंने अंगूर धो दिए, अब मैं यहाँ पे धो रही हूँ पपीता और इन सबको मैं अच्छे से धो करके रख दूँगी। तो कल शिवरात्रि है, ये ब्लॉग मेरा कल ही जाएगा। तो फिर आप सबको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मैं ये सारे बेर भी धो दूँगी अच्छे से और ये बेर आजकल के ही मौसम में आते हैं फरवरी या मार्च तक। सब सब्जियाँ मैं अच्छे से धो करके फल फ्रूट मैं अच्छे से धो करके रख दूँगी ताकि हमको खाने के टाइम पर ऐसे धोने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। और ये अंगूर मेरे पहले के बचे हुए हैं तो इनको भी मैं अलग टोकरी में रख दूँगी और जो बाकी अंगूर हैं तो उनको मैं इस बड़ी टोकरी में रख दूँगी। ऐसी छोटी छोटी टोकरियाँ सब्जी फल फ्रूट और टमाटर वगैरह रखने के अच्छे यूज़ में आते हैं। तो मेरे पास ऐसी बहुत सारी टोकरियाँ हैं जिसमें मैं अलग अलग करके फ्रिज में सब्जियाँ रखती हूँ और फ्रूट्स भी रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं अंगूर को अच्छे से धो करके रख रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें पपीता तो अभी थोड़ा कच्चा है, एक दो दिन बाद ही ये यूज़ में आएगा तो इसको भी मैंने अच्छे से धो करके रख दिया। तो ये पालक मैंने दिन में ख़रीदी थी और मैंने अच्छे से इनके पत्ते छान चून करके इसमें रख दिए हैं। ये दो गड्डी पालक है और इसको मैंने अच्छे से छान लिया था। अब मैं इसको धोऊंगी इस बाल्टी में, हरी सब्जियां वगैरह मैं इस बाल्टी में ही धोती हूँ जिससे मिट्टी वगैरह नीचे बैठ जाती है और सब्जी अच्छे से धुल जाती है। एक बार मैं इसमें धोऊँगी फिर मैं नल खोल करके उसी नीचे ही धोऊँगी। फिर मैं देखिए अच्छे पानी से धोने के बाद ये सब्जी साफ़ होती है और अभी मैं इसके बाद में फिर भी मैं 3-4 बार इसको और धोऊंगी। तो यहाँ पे पालक के बड़े बड़े पत्ते थे तो मैंने इसको चाकू की सहायता से यहाँ पे काट करके थोड़ा छोटे कर दिए हैं ताकि वो अच्छे से धुल जाएं। तो इसी में मैं इनको काट रही हूँ।
आलू, मूली, गाजर मिक्स वेज। इसमें खूब तेल डलता है और ये अच्छी प्याज काटने तुम धीरे। प्याज लेंगे इसमें लंबे लंबे, पानीपुरी वाली सेफ। अभी सब्जी लेनी, तेल वाली कल शिवरात्रि का व्रत है तो इसलिए यहाँ मार्केट में सारी दुकानें सजी हुई हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ बेर और तेरू, पिंडालू या कद्दू ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो आप भी मार्केट प्याज और पालक की सब्जी देखिए काफ़ी टेस्टी होती है। और गाजर, मूली, आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च मिक्स दूसरे को समझे। और ये मक्खन जो मैंने अभी निकाला हुआ है, घर की मक्खन।